सभी साथियों को शिवदत्त सिंह का नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग आज एक टॉपिक डिस्कशन करेंगे और इस टॉपिक को मैं अक्सर क्या करता हूँ कि आपके लिए टॉपिक को इतना समराइज करने का प्रयास करता हूँ, आपको पढ़ने में आसानी हो, आपको समझने में आसानी हो, आपको मेरा नोट्स देने का जो प्लान है वो आपको पता लगे कि शिवदत्त सर आपको नोट्स कैसे दे पाएंगे। एक अपने तरीके से मॉडिफिकेशन करके केमिस्ट्री के नोट्स आप तक पहुंचाना, यही मेरा उद्देश्य है और यही उम्मीद मैं अपने चैनल JJD लर्निंग पॉइंट के ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस में अप्लाई करता रहूँगा। वो चीज़ भी आप तक पहुंच जाए कि शिवदत्त सर किस मेथड से अपने को प्लान किए हुए हैं, बाकी लिखवाने का मेथड है, तरीका है, वो मटेरियल भी आप तक पहुँच जाए। अपने चैनल JJD लर्निंग पॉइंट के थ्रू मैं अपने सभी डियर स्टूडेंट्स और साथियों का स्वागत करता हूं। इसके पहले मेटल्स और नॉन मेटल्स के जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहां से उसको विजिट करिए, देखिए। आज हम स्टार्ट करेंगे मेटलर्जी और मेटलर्जिकल प्रोसेस, तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। मेटलर्जी क्या होता है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो डेफिनेशन क्या है मेटलर्जी की वो आप देख लीजिए। द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग प्योर मेटल फ्रॉम इट्स ओर इज कॉल्ड मेटलर्जी। अपने ओर से प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट करने की जो प्रोसेस है उसको क्या बोला जाता है, मेटलर्जी बोला जाता है। इट कंप्लीट्स इन फॉलोइंग स्टेप्स। फर्स्ट है क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ द ओर। सेकेंड, कंसंट्रेशन और ड्रेसिंग ऑफ द ओर। नेक्स्ट, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर। और नेक्स्ट स्टेप है रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। तो इनको ऑर्डर वाइज सीखते चलते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट प्रोसेस जिसको डिस्क्राइब करके लिखा गया है, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ द ओर, इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले जो माइनिंग करके ओर को ऑब्टेन किया जाता है उनके बड़े बड़े स्टोन होते हैं, उनको छोटे टुकड़ों में ब्रेक किया जाता है और उनको क्रशिंग और ग्राइंडिंग करके बारीक पाउडर के रूप में कन्वर्ट कर लिया जाता है। तो प्रोसेस क्या है इसमें, इन दिस प्रोसेस ओर इज कन्वर्टेड इंटू फाइन पाउडर्ड फॉर्म। नेक्स्ट स्टेप है कंसंट्रेशन ऑफ द ओर। कंसंट्रेशन ऑफ द ओर से इम्प्योरिटी को रिमूव करने का जो प्रोसेस होता है उसको बोला जाता है कंसंट्रेशन ऑफ द ओर। डेफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ गैंग। गैंग क्या होता है, गैंग या मैट्रिक्स इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन ओर इज कॉल्ड गैंग और मैट्रिक्स। इसको हम डिफाइन कर चुके हैं पहले की क्लास में। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ गैंग पार्टिकल्स, जिसको हम कह सकते हैं अनवांटेड अर्थली मटेरियल्स, प्रेजेंट इन ओर इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ द ओर। और इसको और भी क्या बोलते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड ड्रेसिंग ऑफ ओर। इसमें स्टेप्स जो इन्वॉल्व होते हैं वो कौन कौन से हैं, इट इन्वॉल्व्स फॉलोइंग स्टेप्स बेस्ड ऑन नेचर ऑफ गैंग एंड ओर। तो गैंग और ओर की नेचर के बेसिस पर ये कई प्रोसेस में कंप्लीट होता है, किस तरह का मेटल लिया गया है और उसमें किस तरह की इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, तो सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कंसंट्रेशन की प्रोसेस होती है। तो इसमें कौन कौन सी है वो भी देख लेते हैं। फर्स्ट है यहाँ पर ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, जिसको बोला जाता है हाइड्रोलिक वॉशिंग और भी इसको बोलते हैं लेविगेशन। नेक्स्ट मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, और नेक्स्ट है फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस और फिर लीचिंग प्रोसेस। यहाँ पर फिजिकल भी प्रोसेस है और ये लीचिंग प्रोसेस कैसी होती है, केमिकल प्रोसेस होती है। तो इसके बाद अगला स्टेप देखते हैं क्या होता है। दोस्तों, फर्स्ट स्टेप आपने पढ़ा क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ द ओर, सेकंड स्टेप आपने पढ़ा कंसंट्रेशन ऑफ द ओर या उसी को बोलते हैं ड्रेसिंग ऑफ द ओर, थर्ड स्टेप है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर। कंसंट्रेशन के प्रोसेस के बाद जो ओर ऑब्टेन होता है उसको बोलते हैं कंसंट्रेटेड ओर। तो कंसंट्रेटेड ओर से अब हम क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे मेटल, और मेटल ऑब्टेन हमको डायरेक्ट नहीं होगी, पहले कंसंट्रेटेड ओर से मेटल ऑक्साइड फॉर्म होगा, उसके बाद में मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन कर लेंगे और मेटल ऑब्टेन हो जाएगी। और जो मेटल मिलेगी वो भी प्योर 100% नहीं होगी, तो उसका अलग अलग प्रोसेस रहेगा रिफाइनिंग करने का, प्योरिफिकेशन का। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर क्या है इसमें, द कंसंट्रेटेड ओर इज कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड बाय टू मेथड्स। फर्स्ट है कैल्सिनेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स पूछे जाते हैं, इन पर आप ध्यान रखेंगे, कैल्सिनेशन, और दूसरा रोस्टिंग, इसको पढ़ के जरूर जाइएगा आप लोग। इन दिस प्रोसेस द कंसंट्रेटेड ओर इज हीटेड बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इन एब्सेंस आर लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। या तो एयर एब्सेंस रहेगा या फिर उसमें लिमिटेड अमाउंट में ऑक्सीजन पास की जाएगी। फॉलोइंग चेंजेस टेक्स प्लेस, कौन कौन से चेंजेस होते हैं यहाँ पर देख लिया जाए। वोलाटाइल इम्प्योरिटीज गेट रिमूव्ड, जो भी इम्प्योरिटी वोलाटाइल होती हैं वो सब रिमूव हो जाती हैं।
द ओर बिकम्स पोरस, जो ओर अब ऑप्टेन हुआ है वो पोरस हो जाता है, उसमें छिद्र हो जाते हैं। द मॉइस्चर इज रिमूव्ड एंड ओर बिकम ड्राई, मॉइस्चर रिमूव हो जाता है और जो ओर अब ऑप्टेन होगा वो सूख जाता है, ड्राई हो जाता है। नोट यहाँ पर हमने लिख रखा है, नोट्स आप जरूर ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। दिस प्रोसेस इज मेनली यूज्ड फॉर कार्बोनेट ओर्स, मीन्स कैल्सिनेशन जो प्रोसेस है ये मेनली किसके लिए होता है, कार्बोनेट ओर्स के लिए। एग्जाम्पल्स क्या हैं कैल्सिनेशन के, जिंक कार्बोनेट को जब हीट किया जाएगा तो जिंक ऑक्साइड ऑप्टेन होगा और CO2 रिमूव हो जाएगी। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, लाइम स्टोन जिसको बोलते हैं, हीट करने पर कैल्शियम ऑक्साइड ऑप्टेन होगा, CO2 गैस रिमूव हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है Al2O3 2H2O, हाइड्रेटेड एल्यूमिना जिसको बॉक्साइट आपने पहले की वीडियो में पढ़ा था, और ये मेन ओर होता है एल्यूमिनियम का। हीट करने पर Al2O3 anhydrous एल्यूमिना ऑप्टेन होगा क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो चुका होगा यहाँ पर वेपर के फॉर्म में। नेक्स्ट है Fe2O3 3H2, आयरन का एक ओर है, इसको हीट करेंगे तो फेरिक ऑक्साइड या एनहाइड्रस लिमोनाइड ऑप्टेन होगा और 3 वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाएंगे वेपर के फॉर्म में। कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट, डोलोमाइट, हीट करने पर कैल्शियम और मैग्नीशियम के ऑक्साइड ऑप्टेन होंगे और यहाँ से CO2 गैस रिमूव हो जाएगी। इसके बाद रोस्टिंग प्रोसेस देख लेते हैं। इन दिस प्रोसेस द कंसनट्रेटेड ओर इज हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ एयर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड रोस्टिंग। तो कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में आई थिंक आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा, वहाँ पर एयर की एब्सेंस रहती है और ये प्रोसेस एयर की प्रेजेंस में होती है। दिस प्रोसेस इज यूजुअली यूज्ड फॉर सल्फाइड ओर्स, नोट में वहाँ पर एक पॉइंट लिखा था कैल्सिनेशन में, कैल्सिनेशन प्रोसेस इज मेनली यूज्ड फॉर कार्बोनेट ओर्स, और रोस्टिंग किसके लिए, मेनली यूज्ड फॉर सल्फाइड ओर्स। फॉलोइंग चेंजेस टेक्स प्लेस, फर्स्ट पॉइंट है द मॉइस्चर इज रिमूव्ड, नेक्स्ट द इम्प्योरिटीज ऑफ सल्फर आर्सेनिक एंड फॉस्फोरस गेट रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ वोलाटाइल गैसेस, अगर सल्फर है तो SO2 के फॉर्म में रिमूव हो जाएगी, आर्सेनिक है आर्सेनियस ऑक्साइड के फॉर्म में बाहर रिमूव हो जाएगी, फास्फोरस P2O5 के फॉर्म में, वोलाटाइल ऑक्साइड के फॉर्म में ये सब बाहर रिमूव हो जाएंगी। नेक्स्ट है द सल्फाइड ओर कन्वर्टेड इनटू मेटल ऑक्साइड, जितने भी सल्फाइड ओर होंगे उसी के लिए रोस्टिंग प्रोसेस यूज किया जाता है, और सल्फाइड ओर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, मेटल ऑक्साइड में। CO2S इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कन्वर्टेड इनटू 2 Cu2O और 2SO2 रिमूव हो जाएगा। यहाँ पर आप बैलेंसिंग के लिए हमने वही सब एग्जांपल सेलेक्ट किए हैं जिसमें बैलेंसिंग बिल्कुल सेम है, और ये एग्जांपल्स अच्छी तरह से आप ध्यान रखेंगे। 2FeS+3O2 गिव्स आउट, सल्फर की जगह पर ऑक्सीजन आ जाएगा तो ये अपने ऑक्साइड के फॉर्म में ऑप्टेन हो जाएंगे और SO2 गैस रिमूव हो जाएगी। HgS सिनेबार, एक मरकरी का ये ओर है, 3O2 2HgO+2SO2 के फॉर्म में ये बाहर रिमूव हो जाएगा। ZnS जिसको स्फेलेराइड भी बोलते हैं, जिंक ब्लेंड, 3O2 2ZnO ऑप्टेन हो जाएगा और 2SO2 गैस बाहर रिमूव हो जाएंगी। अगला स्टेप क्या है, तो इस तरह से अब आपने मेटल ऑक्साइड को ऑप्टेन कर लिया। अब मेटल ऑक्साइड कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के थ्रू जब ऑप्टेन हो गया है तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हमको मेटल ऑप्टेन करना है, तो उसके बाद मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन कर देंगे और मेटल आपको ऑप्टेन हो जाएगी। तो अगली हेडिंग है यहाँ पर रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल, द फॉलोइंग मेथड्स आर यूज्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू मेटल। फर्स्ट यहाँ पर हेडिंग हमने लिख रखी है रिडक्शन विद कार्बन, और प्रोसेस यहाँ पर इसको हम स्मेल्टिंग भी कह सकते हैं। कोक और कार्बन मोनोऑक्साइड इज यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट, जो आपको कंसनट्रेटेड ओर ऑप्टेन हुआ है उसमें कोक या कार्बन मोनोऑक्साइड मिला करके आप रिड्यूस कर सकते हैं और मेटल ऑप्टेन हो जाएगी, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, स्मेल्टिंग बोलेंगे। ZnO कार्बन मिलाएंगे, कार्बन यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड के फॉर्म में बाहर निकल जाएगी और जिंक ऑप्टेन हो जाएगी आपको। Fe2O3 3CO यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट का वर्क करता है कार्बन मोनोऑक्साइड, और जब ऑक्सीजन सेजेट करके ये CO2 के फॉर्म में बाहर रिमूव हो जाएगा और आपको आयरन मेटल ऑप्टेन हो जाएगी। तो जो मेटल ऑक्साइड आपको ऑप्टेन हुआ है उसका आप रिडक्शन कर रहे हैं, पहला आपने हेडिंग पढ़ा रिडक्शन विद कार्बन, नेक्स्ट है रिडक्शन विद एल्यूमिनियम, इंपॉर्टेंट हेडिंग है इसको अच्छी तरह से आप पढ़ लेंगे। सम मेटल ऑक्साइड्स आर रिड्यूस टू मेटल बाय हीटिंग देम विद एल्यूमिनियम पाउडर, कुछ मेटल ऑक्साइड हैं जिनको एल्यूमिनियम पाउडर से हीट करके मेटल ऑप्टेन किया जाता है। तो यहाँ पर Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम पाउडर जब उसमें मिला करके हीट करेंगे तो Al2O3 और 2Fe ऑप्टेन होगा, साथ में हीट भी रिलीज होती है।
जिस रिएक्शन में हीट या एनर्जी रिलीज होती है वो रिएक्शन एक्जोथर्मिक होती है, और ये रिएक्शन हाईली एक्जोथर्मिक होती हैं, इसलिए जो मेटल ऑब्टेन होती है वो मॉल्टेन फॉर्म में रहती है, पिघली हुई अवस्था में रहती है। दूसरा एग्जाम्पल, Cr2O3 एल्यूमिनियम पाउडर मिलाकर के हीट करेंगे, Al2O3 और क्रोमियम मेटल ऑब्टेन हो जाएगी, आपको हीट इवॉल्व होगी। 3MnO2 प्लस 4Al हीट करने पर Mn मैगनीज मेटल ऑब्टेन हो जाएगी और Al2O3 रिमूव हो जाएगा, और साथ में यहाँ पर हीट रिलीज होती है। अब यहाँ पर हमने लिख रखा है, एल्यूमिनियम रिडक्शन मेथड इज आल्सो कॉल्ड एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस और थर्माइट प्रोसेस। शॉर्ट नोट्स पूछा गया है थर्माइट प्रोसेस पर, इसको आप ध्यान रखेंगे। एल्यूमिनियम रिडक्शन मेथड इज आल्सो कॉल्ड एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस और थर्माइट प्रोसेस, एग्जाम्पल आप कोई भी लिख सकते हैं यहाँ पर। सच रिएक्शंस आर हाईली एक्जोथर्मिक एंड मेटल सो फॉर्म्ड इज ऑब्टेन इन द मॉल्टन फॉर्म, देयरफॉर दिस प्रोसेस कैन बी यूज फॉर वेल्डिंग पर्पज एल्सो। वेल्डिंग पर्पज के लिए इस प्रोसेस को यूज करते हैं। रेलवे ट्रैक अगर कहीं पर ब्रेक रहती है तो इसी प्रोसेस से उसको फिलिंग की जाती है, ठीक है ना। नोट यहाँ पर क्या है, अ मिक्सचर ऑफ फेरिक ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम पाउडर इज कॉल्ड थर्माइट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखेंगे। व्हाट इज थर्माइट? अ मिक्सचर ऑफ फेरिक ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम पाउडर इज कॉल्ड थर्माइट। नेक्स्ट मेथड है यहाँ पर ऑटो रिडक्शन मेथड, मेटल ऑक्साइड से मेटल ऑब्टेन करने का मेथड है। इन दिस प्रोसेस नो एक्सटर्नल रिड्यूसिंग एजेंट इज यूज, कोई एक्सटर्नल रिड्यूसिंग एजेंट का यूज नहीं किया जाता है इस प्रोसेस में। वेन ओर इज हीटेड इन एयर ए पार्ट ऑफ ओर गेट्स ऑक्सीडाइज विच कंबाइंस विद रिमेनिंग सल्फाइड टू गिव मेटल। क्लियर? तो कुछ बचे हुए सल्फाइड ओर से रिएक्ट करता है जो मेटल ऑक्साइड ऑब्टेन होता है और मेटल में रिड्यूस हो जाता है। एग्जाम्पल, 2Cu2S प्लस 3O2 गिव्स आउट 2Cu2O प्लस 2SO2। जो Cu2O ऑब्टेन हुआ है यह रिमेनिंग Cu2S से रिएक्शन करता है और कॉपर ऑब्टेन हो जाता है, SO2 गैस रिमूव हो जाती है। कॉपर की मेटलर्जी में ये रिएक्शन बेसेमर कन्वर्टर में होती है, और बेसेमर कन्वर्टर में जो कॉपर ऑब्टेन होता है उसको ब्लिस्टर कॉपर बोला जाता है। ब्लिस्टर कॉपर में 98% कॉपर होता है और 2% इम्प्योरिटीज होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ब्लिस्टर कॉपर। ध्यान रखेंगे ब्लिस्टर कॉपर क्या होता है। एग्जाम्पल आपने देखा, रिडक्शन ऑफ कॉपर पायराइड, कॉपर पायराइड प्रोसेस CuFeS2 जब फाइनली कन्वर्ट होता है Cu2S में तो बेसेमर कन्वर्टर में पहुंचता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसको हीट किया जाता है, Cu2O ऑब्टेन होता है, और Cu2O कुछ बचे हुए Cu2S से रिएक्शन करके कॉपर में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल है रिडक्शन ऑफ सिनेबार मींस HGS, वो भी रिड्यूस होता है ऑटो रिडक्शन मेथड से, और रिडक्शन ऑफ गैलेना PbS, इसका भी ऑटो रिडक्शन मेथड से लेड मेटल में रिडक्शन कर लिया जाता है। और नेक्स्ट प्रोसेस जो है इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, दिस मेथड इज यूज फॉर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स। तो इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन मेथड किसके लिए यूज करते हैं, जो मेटल हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हों उनके लिए इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन मेथड यूज किया जाता है। और लास्ट स्टेप जो होता है, एबव प्रोसेस से जो मेटल ऑब्टेन होती हैं 100% प्योर नहीं होती हैं, तो उनके लिए रिफाइनिंग किया जाता है, और अलग अलग मेटल्स के लिए जो रिफाइनिंग का प्रोसेस होता है वो अलग अलग होता है। द मेटल ऑब्टेन बाई एनी वन ऑफ द एबव रिडक्शन मेथड इज यूजली इम्प्योर एंड इज कॉल्ड क्रूड मेटल, और उसको हम क्या बोलेंगे, क्रूड मेटल। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनचेंज इम्प्योरिटीज फ्रॉम क्रूड मेटल इज कॉल्ड रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। तो वो इम्प्योरिटीज जो अभी भी अनचेंज्ड हैं, उनमें कोई चेंजेस नहीं आए हैं, उन इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए जो प्रोसेस यूज की जाती है उसको हम बोलते हैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। फॉलोइंग मेथड्स आर जनरली यूज फॉर रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। फर्स्ट है डिस्टिलेशन, जिसको बोलते हैं वेपराइजेशन या फिर कंडेंसेशन मेथड, और नेक्स्ट स्टेप है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग मेथड, जोन रिफाइनिंग, वेपर फेज रिफाइनिंग, वेपर फेज रिफाइनिंग, वन आर्कल मेथड और मोन्स प्रोसेस। ये ध्यान रखेंगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सब हैं। वन आर्कल मेथड किसके लिए होता है, फॉर रिफाइनिंग टाइटेनियम जिरकोनियम एंड हॉफनियम। मोन्स प्रोसेस किसके लिए होता है, निकिल इज प्योरीफाइड बाई दिस प्रोसेस। गाइज अगर आपने पीएच से रिलेटेड वीडियो नहीं देखी है तो उसको भी आप देखिए, वहाँ पर हमने 2012 से लेकर के 2018 तक जितने भी टाइप्स क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सब हमने वहाँ पर लिख रखे हैं और एक्सप्लेन किए गए हैं उनको डिटेल में, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, तो उसको भी आप देखकर जरूर जाइए, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा।
आई होप आपको ये वीडियो अच्छी तरह से क्लियर हो गई होगी। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।